अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी। तुम्हारे पैसों का क्या होगा? अरे कोई मसला नहीं, कॉल कर लेना, इस बहाने हम दोबारा मिल लेंगे। तुम जा कब रहे हो? क्यों, क्या लास्ट टाइम मिलोगे? नहीं, मैंने यूं ही पूछ लिया था। तुम एक दो दिन में कॉल करती हूँ। और अगर मैं बोर हो रहा हूँ तो क्या मैं तुम्हें कर सकता हूँ? I mean, never mind. मैंने ऐसे ही पूछ लिया था। तुम मुझे कॉल कर लेना, हम गॉसिप करेंगे। हाँ, और मुझे बताना कि कौन क्या क्या कर रहा। हाँ, अब मैं चलती हूँ। क्यों? मजाक कर रहा हूँ। थैंक यू। किस बात का? कि तुम चाहते थे कि तुम्हारे घर में सबसे पहला कदम मैं रखूं। ये बात मेरे लिए बहुत अहम है कि तुमने मुझे इतनी इम्पोर्टेंस दी। लेकिन एक बार फिर मेरे तुम्हारे बीच में लेकिन आ गया। यही तो मसला है कि लेकिन हम दोनों के बीच में है और बार बार आए। वैसे हमारे बीच में नहीं आएगा अगर तुम ना लाओ। तुम इसे इम्पोर्टेंस देना छोड़ दो, ये बीच में नहीं आएगा। कोशिश करूंगी। कोशिश करोगी? तुम फिर से मुझे गलत समझ रहे हो। तुम्हारा मतलब है कि तुम कोशिश करोगी कि ये लेकिन हमारे बीच में दोबारा ना आए, है ना? हाँ। तो बस मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। अस्सलाम वालेकुम, आप कब आए? वालेकुम अस्सलाम, दो घंटे से वेट कर रहा हूँ मैं तुम्हारा। तो कॉल कर देते। तो फोन कैरी कर रही? हाँ, ये रहा। ओह माय गॉड, आई एम सो सॉरी, मुझे पता ही नहीं चला कि आपने कॉल की थी। खैर छोड़ो, ये बताओ तुम थी कहाँ पे? रमीज के फ्लैट पे। तुम रमीज के फ्लैट पे गई थी? हाँ, क्यों? तुम्हारा दिमाग ठीक है यार? कितना जानती हो तुम उसको? उसने तुम्हें कहा तुम चलती बनी? क्यों गई थी तुम? क्यों, आपको क्यों बताऊं? फजूल की बहस मत करो, मैं तुमसे जो पूछ रहा हूं मुझे उसका जवाब दो। क्यों गई थी तुम उसके पास? जिसलिए भी गई थी, आपको क्या है? या शायद तुम भूल रही हो कि मेरे तुम्हारे बीच। I have moved on, Hardy. जो था वो खत्म हो गया, मुझे कुछ याद नहीं और आपको कोई हक नहीं बनता मुझसे सारी बातें करने का। How dare you tell me कि मुझे कोई हक नहीं पहुंचता? मैं तुमसे किसी भी वक्त कुछ भी पूछ सकता हूँ और तुम्हें बताना भी पड़ेगा। अच्छा, आपने तो मुझे कुछ नहीं बताया था। क्या नहीं बताया था मैंने तुम्हें? आपका और रूसा बाजी का फैन, एक तरफ मुझसे बात कर रहे होते थे और दूसरी तरफ उनसे। आपने बताना जरूरी नहीं समझा? अच्छा, तुम उस बात का बदला ले रही हो मुझसे? नहीं, आपसे जो सीखा उस पर अमल करें। आप ही ने तो कहा था कि अगर आप मेरी जगह होते तो परवाह नहीं करते, वही कर रहे। तुमने इसी वजह से मेरी परवाह करनी छोड़ दी और एक फजूल किस्म के बेकार लड़के से बात करनी शुरू कर। वो बेकार नहीं है, उसके बेकार है, फ्लैट है, अच्छी जॉब है। और तुम इंप्रेस हो गई इन चीजों से? वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। उसने मुझे प्रपोज किया और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। शादी? मैं इजाजत दूंगा तो शादी करोगी? मुझे तो खुदाफिस का क्या? एक मिनट, मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है शादी के लिए। मेरे पास मेरे अब्बा और ताया हैं। अल्लाह आपके अब्बा और ताया को सलामत रखे, लेकिन इजाजत आपको मुझसे ही लेनी पड़ेगी, समझिए। ये तो आपकी खुशफहमी है, मैं तो वही करूंगी जो मेरा दिल चाहेगा। अगर आज मैं तुम्हें उसके पास लेके जा सकता हूँ तो तुम्हें जाने से रोक भी सकता हूँ। चित भी आपकी और पट भी आपकी, क्या बात है? क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो? दूसरों पे हक जमाना, दूसरे आप पे हक ना जताएं, ये चाहते ना? क्या हक जताना चाहती हो तुम मुझ पे? जो जिताना है जिताओ, मैं मना करता हूँ तुम्हें क्या? बस आप जाएं, मेरा जो दिल चाहेगा वो करूंगी, आपको बीच में पड़ने की जरूरत नहीं है। शुक्र करो कि मैं बीच में हूँ, वरना जो तुम्हारी हरकतें हैं ना। क्या हरकतें? क्या हरकतें? गिनवाना शुरू करो? हाँ गिनवाए, मुझे भी तो पता चले कि क्या हरकतें। रहने दो, शर्मिंदा होके मर जाओगी तुम। मैंने ऐसा कोई काम किया ही नहीं जिसमें मुझे शर्मिंदगी हो। आप ही ने कहा था भूल जाओ,
आगे बढ़ो तो बस मैं भूल गई ना। Are you sure तुम भूल गई? मुझे अच्छी तरह पता है कि तुम किस लिए रमी से शादी कर रही हो। फौरन मना कर दो उसको। चले अच्छा है, जल्दी आ जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आओ बैठो फरीसा, चाय पियो। मैं कुछ देर में आती हूँ। ठीक है बेटा। कितनी बार मैंने आपके बेटे को समझाया है कि इसके साथ नरमी से पेश आया करो। आपने देखा, बेतहाशा शॉपिंग करती है। तुम्हारे ख्याल में कितने की होगी? 1-1.5 लाख की तो होगी। 1 लाख हो ही नहीं सकता। आप नहीं जानते, आपको तो पता ही नहीं ये किन किन जगहों से शॉपिंग करती है। पागल तो नहीं है ना वो के इतनी महंगी शॉपिंग करेगी? 1-1.5 लाख की ना सही, लेकिन 80-90 हजार की शॉपिंग तो होगी। आपने देखे नहीं कितने सारे बैग्स गए? हद करती है भाई ये लड़की। समझ रहे हैं कि मैं इनकी वजह से रमीश से शादी कर रही, जैसे बहुत बड़े हीरो है ना। डाल देना। डाल। सॉरी। नहीं करूंगी तो समझेंगे कि वो सही थे और मैं गलत। अपने आप को पता नहीं क्या समझते हैं? ये भी नहीं सोच रहे कि मैं रमीश को रमीश की वजह से भी तो हाँ कह सकती हूँ। बड़े आए। कौन बड़े आए? कोई नहीं। वैसे रमीश में कोई बुराई है तो नहीं, जितना वो मुझे जाता है ये तो मर के दोबारा जिंदा भी हो जाए तो उसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। बहुत इतराते हैं ना, अभी हाँ कर दूं तो पता चलेगा इनको। अगर मैं हाँ कर दूं तो अब्बा। वो रमीज है ना मेरा दोस्त, आपसे मिलना चाहता है। क्यों? उसे आपसे बात करनी, वो मुझे पसंद करता है। आदि को पता? नहीं, पर जरूरी नहीं है कि उसको हर बात बताएं। आखिर वो तुम्हें आज यहां से लेकर गया है, इतनी देर तुम्हारे साथ बातें करता रहे तो उसको बताया तो होगा ना तुमने। मैंने आपको बता दिया, काफी है। उससे मिल लीजिए, कब का कहूं? सोच के बताऊंगा। सोचने वाली कौन सी बात? 1 डेट देनी है, दिन बताना। ये वही लड़का है कि कोई और? जाहिर है वही होगा। आप कैसे सवालात कर रही हैं? अगर आपने पूछना है तो ये पूछें कि हया को वो पसंद है या नहीं। ये मैं कैसे पूछता? भाई जब उसने खुद कहा है कि लड़के से मिल लें तो उसका तो यही मतलब हुआ कि उसे लड़का पसंद है। फरीसा से पूछूं लड़का कैसा है? नहीं 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 नहीं, किसी से पूछने की कोई जरूरत नहीं है। हाथी ने भी तो लड़का देखा है, उससे पूछ लेते। नहीं, उसने कहा है कि हाथी से कोई बात ना की जाए। क्यों, ये क्या बात हुई? पता नहीं, ये बच्चे आपस में क्या खिचड़ी बना रहे हैं। वो आपस में बातें कर लेते हैं और बड़ों से मशवरा तक नहीं करते। साहिरा, बच्चे बच्चे थोड़ी रहे, वो बड़ों से क्यों मशवरा करेंगे? मेरा ख्याल है हादी से पूछते हैं, मुनासिब रहेगा।
वो मेरा मशवरा ये है कि खुलकर कोई बात ना की जाए, वो हया को अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन भाई मालूमात तो हादी ही करेगा लड़के के बारे में। कौन सी मालूमात? किस मालूमात की बात? वो ये लड़का जो है वो हया के साथ ऑफिस में काम करता था ना, जहां तुम उसे ड्रॉप करने गए थे। कौन? रमेश? क्या हुआ उसको? नहीं हुआ कुछ नहीं, हम बस आपस में बात कर रहे थे कि हया उसके साथ अक्सर आती जाती है, तो हम मालूम करना चाह रहे थे कि वो दिखता कैसा है। दिखने में कैसा है, इससे क्या फर्क पड़ेगा चाचा? मेरा मतलब है कि वो उसकी जॉब कैसी है। अच्छी जॉब है, उसको कंपनी ने अपार्टमेंट दिया हुआ है, कार दी हुई है। माशाल्लाह। आप लोग मुझसे कुछ छुपा रहे हैं शायद? नहीं तो, हम तो वैसे खुश हो रहे हैं। वो इतना खुश तो आप मेरी लंदन की नौकरी पे भी नहीं हुए थे जितना हया के दोस्त की नौकरी पे हो रहा है। आई थिंक आप लोगों को आइडिया हो गया कि उसने हया को प्रपोज किया, इसीलिए सारे सवालात हो रहे हैं। आप फिक्र ना करें, मैंने हया को समझा दिया, वो मना कर देगी। लेकिन उसने मना नहीं किया। तो कर देगी ना अम्मी? वो नहीं करेगी, उसने हाँ कर दी है, वो उससे शादी करेगी। अब्बा उसका मतलब ये नहीं है। आई नो शी डजंट मीन इट, वो सिर्फ ये बचगाना हरकतें कर रही है। आप लोग यकीन रखिए, एक या दो दिन में खुद ही नहीं करेगी। लेकिन उसने मुझसे खुद कहा है, बहुत सीरियस थी वो। चाचा क्या सीरियस, उसको तो ये भी नहीं पता कि उसको जिंदगी में क्या चाहिए और क्या नहीं। आदि वो बच्ची नहीं है। मैं कब कह रहा हूँ अब्बा, वो बच्ची है, लेकिन वो बच्चों वाली हरकतें कर रही है बस। कैसी बेसरोपा बातें कर रहे हो आदि। अम्मी प्लीज आप फिक्र ना करें, मैं बात कर रहा हूँ। आदि बात सुनो। अब्बा प्लीज आप मुझे बात करने दीजिए ना, उसके बाद हम फैसला कर लेंगे कि उसने रमीज से शादी करनी है क्या। आप क्या चाहते हैं कि मैं वही की वही खड़ी रहूं? मेरा कोई हक नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने का। है तुम्हारा हक है जिंदगी बनाने का, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह तुम बनाना चाह रहे हो। इस तरह नहीं, उस तरह नहीं। क्या जिंदगी मेरी है? अगर मुझे रमीज से शादी करनी है तो मुझे रमीज से शादी करनी है। आप कौन होते बीच में पड़ने वाले? थैंक यू सो मच। इतनी जल्दी थी देने की? कर्जा जितनी जल्दी हो लौटा देना चाहिए, उतना ही अच्छा होता है। सच्ची? तुम क्या चाहते हो, सारी उम्र तुम्हारे पैसे लेके बैठी रहती मैं? हाँ जैसे पहले नहीं बैठी हूँ। पहले की बात और थी। तो आप मैडम हो गई है ना? वैसे तुम्हारा हस्बैंड नहीं आया, मुझे लगा था वो भी आएगा। क्यों? मेरा शुक्रिया था करना। वैसे तुम्हारा भी कमाल है, पैसे भूल खुद आई और शर्मिंदा उसे करा दी। वैसे अगर मेरी बीवी होती ना तो मैं कभी खुद को माफ नहीं करता। आई मीन बिना मांगे उसे पैसे देता, मैं कहता जितनी शॉपिंग करनी है करो, और खबरदार जो तुम आइंदा किसी और के पैसे से शॉपिंग करके आए। नाराज तो वो भी बहुत हो रहे थे, कह रहे थे मैं तुमसे पैसे क्यों ले लिए। नाराज क्यों? आई मीन नाराज तो तुम्हें होना चाहिए, ने पैसे होने के बावजूद भी अगर शौहर अपनी बीवी पे खर्च ना करे तो क्या फायदा। खैर मुझे तुमसे एक बात करनी थी। अगर तुम पहले की बातें करना चाहती हो तो मत करो। मगर मैं वही करना चाहती हूँ, मैंने तुम्हारे साथ कितनी ज्यादती की थी। मत करो, मैं शर्मिंदा हो जाऊं। शर्मिंदा तुम क्यों होगे? किया तो सब कुछ मैंने था ना। एग्जैक्टली, सब कुछ तुमने किया,
मैंने क्या किया? मुझे अमेरिका जाके रियलाइज हुआ कि मैंने तुम्हें फजूल में भरम दिया। आई मीन रियली यू मेड माई लाइफ फरीसा। तुम खुश हो? नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। तो तुमने फैसला कर लिया है कि जो मैं कहूंगा तुम उसका उल्टा ही करोगी, है ना? अब मैंने ऐसा क्या कर दिया? अच्छा, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि शादी के लिए हाँ मत करना, और तुमने हाँ कर दी। तो कितना सीरियस बनती हो, तुम्हारा बचपना क्यों नहीं जाता? वो तो मैं बीच में पड़ गया, नहीं तो हाँ हो जाती और पता चलता तुम्हें क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। तो क्या आपने मना कर दिया? हाँ। तो कमाल है, जिंदगी मेरी और फैसले आपके। तुम क्या वाकई उस इडियट से शादी करने वाली थी? ठीक है, मैं ऐसे ही उसके फ्लैट गई थी। खैर, ये तो तुम जानती हो कि तुम उसके फ्लैट में क्यों गई थी। नहीं, मैं नहीं जानती, आप बताइए ना, आपको पता होगा। सिर्फ ये साबित करने के लिए कि यू हैव मूव्ड ऑन। दिस इज रिडिकुलस। व्हाट इज रिडिकुलस? आप क्या चाहते हैं कि मैं वही की वही खड़ी रहूं? मेरा कोई हक नहीं है जिंदगी में आगे बढ़ने का। तुम्हारा हक है जिंदगी बनाने का, लेकिन इस तरह नहीं जिस तरह तुम बनाना चाह रहे हो। इस तरह नहीं, उस तरह नहीं। क्या जिंदगी मेरी है? अगर मुझे रमीश से शादी करनी है तो मुझे रमीश से शादी करनी है। आप कौन होते बीच में पड़ने वाले? अरे बेटा, बात कर ली? जी चाचा, कर रहा हूँ। चलो फिर, तुम लोग बात बात हो गई है। आप बस मुझे इतना बता दें कि मैं रमीश को कब बुलाऊं आपसे मिलने के लिए। सर, मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए, आप लोग बातें करें। मेरे बाप आप हैं या वो है? मुझे यकीन नहीं आ रहा आज तुमने मुझे बुलाया। तो ये फूल इसी खुशी में? जितनी बार बुलाओगी उतने फूल दूंगा। Did you know there was a time जब मैं तुम्हारी एक नजर के लिए घंटों बैठा रहता था। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चला। नजर डालती तो पता चलता ना। और अब देखो, you're the one who's called me, यानी मेरी कोशिशों का कुछ ना कुछ असर हुआ। इतना असर हुआ कि तुम मुझसे पूछना ही भूल गए कि मैंने यहां तुम्हें क्यों बुलाया। मुझे फर्क नहीं पड़ता क्यों बुलाया, तुम वहां बैठे हो और मैं यहां, मेरे लिए बहुत है। बस और कुछ नहीं चाहिए। कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा यहां मेरे साथ होना मेरे लिए सब कुछ है। जिंदगी भर का साथ भी नहीं? अब्बा ने बुलाया। किसे बुलाया? मुझे बुलाया? हाँ। क्यों बुलाया? मेरे बारे में बात करने के लिए बुलाया। क्या बात करने के लिए? तुम गूफ हो या ऐसी प्रिटेंड कर रहे हो? एक लड़की का बाप इसके दोस्त को क्यों बुलाता है रमीश? यानी तुमने हाँ कर दी? मैंने उन्हें मना भी लिया। आई डोंट बिलीव इट। यानी तुम कह रही हो कि तुमने हाँ कर ली है और अपने बाबा साहब को भी मना लिया, और हया उमर इकराम मुझसे शादी करना चाहते हैं। मैं तो उनका सामना भी नहीं कर सकता। मैं तो तुम्हारे काबिल ही नहीं हूं, और वो भी मुझे रिजेक्ट कर देंगे फौरन। मैं नहीं जा रहा।
पागल हो गए हो? शादी भी करनी हो, मेरी फैमिली से मिलना भी नहीं, तो तुम मेरे साथ भाग नहीं सकती? नहीं, तुम्हें मेरे घर आना होगा, रिश्ता मांगना होगा, मैं हाँ कहूंगी और फिर कोई मना नहीं करेगा। And you're sure? I think so. Ramesh? मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम्हें मिलने में क्या एतराज है। अम्मी, जब मुझे वो पसंद ही नहीं है तो मैं उससे मिलूं क्यों? तुम उससे मिले ही कब हो? मिल चुका हूं पापा। तुमने उसको सिर्फ एक नजर देखा है आदि? वही काफी है। तुम इस तरह करोगे ना तो लोग ये समझेंगे कि तुम चाहते ही नहीं कि हया की शादी हो। अम्मी, मैं पागल हूं जो उसे रोकूं। उसे जिससे शादी करनी है करे वो, लेकिन अम्मी इस तरह नहीं। किस तरह नहीं आदि? उसको एक लड़का पसंद आ गया है, उस लड़के से हमें मिलवाना चाह रही है। और किस तरह होती है लड़कियों की शादियां? अम्मी बस रहने देना प्लीज। आपने उसे जाके मिलना है, मिल लीजिए, मेरा जाना जरूरी थोड़ी है। लड़की इधर आओ जरा, आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा इधर आओ। कहाँ हैं सारे घर वाले? बहरी हो गई हो? मैंने कहा कहाँ हैं सब? कमरे में। शादी पे वही है? मुझे पता नहीं, मैंने नहीं देखा। बहुत चलाक हो गई हो ना। किसी दिन मुझे गुस्सा आ गया ना, तुम्हारा दिमाग ठीक कर दूंगी। जाओ यहां से। अगर आप लोग इतना इंसिस्ट कर रहे हैं तो मैं जाके मिल लूंगा रणवीर से, लेकिन मुझसे ज्यादा उम्मीद मत रखिएगा। क्या हो रहा है? हाँ यार, रमेश की शादी की बात चल रही है ना, मैं भी चलूंगी। इनकी तो आदत है, हमेशा ऐसी करते हैं। इरादा क्या है? पहले शादी करनी है, मंगनी, और आ कौन कौन रहा है? रमेश बोलो। हेलो। हाँ क्या बोलूं यार, नजर ही नहीं आ रही तुम। एक सेकंड, अब सही है? ए यू आ। अच्छा जल्दी से मुझे बताओ, एक सेकंड मैं दिखाता हूं। मुझे बताओ पहले जल्दी से। एक सेकंड, ऐसे ये या ये? सॉरी, ये या ये? जल्दी बताओ। I really like this one. ये अमेरिका से आई थी। ये वाली यहीं से ली थी। लेकिन इसका मटेरियल बहुत है एंड द कलर इज बेस्ट। लेकिन इसका प्रॉब्लम ये है कि इसके साथ मेरे ऑब्वियसली ब्राउन जूते और ब्राउन बेल्ट जाएगी और मेरे ब्राउन जूते थोड़े पुराने हो चुके हैं। रमीज, मुझे तुमसे बात करनी है। पहले ड्रेसेस का फैसला तो बताओ फिर बात करना। पहले बात करनी है क्योंकि बात बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या बात करनी है यार,
अच्छा करो। आई थिंक जो हो रहा है सही नहीं हो रहा। क्या सही नहीं हो रहा? मैं ये शादी नहीं कर सकती। I'm sorry, I know कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाय रवीस, हम वहाँ आपका ड्राइंग रूम में इंतजार कर रहे हैं, आपके आने की तैयारियां कर रहे हैं, और आप एक हाय के रूम में आके बैठे हैं। मुझे पहचानते तो है ना, मैं आपकी भाभी और आपकी होने वाली साली भी हूँ। मैं बहुत स्पेशल हूँ, मुझे भूलिएगा मत। खया मुझे बात कर, जल्दी हटो। आप हया की वजह से परेशान मत होइएगा। शादी से पहले मैं भी ऐसी थी, हाथी से घर के इतने चक्कर लगवाती थी, इतने चक्कर लगवाती थी। बेचारे, मुझसे मत पूछे। मगर यहाँ मैं हूँ ना, मैं आप पे जुल्म नहीं होने दूंगी, मैं आपका बहुत ख्याल रखूंगी। शादी के कपड़े तो दिखाए मुझे, आपने बनवाया क्या है? मुझे सारे कपड़े दिखाए, सब कुछ देखना है। अब क्या पहनूंगा? मैं बस चाहती हूँ तुम बहुत खुश रहो। हमारी शादी होने वाली है ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम बस जल्दी करो, तैयार हो जाओ। बहुत देर हो गई। हया, ये पहनो चूड़ियाँ, बहुत प्यारी लग रही हो। अभी तक गए नहीं? अंकल तो कब के निकल गए? निकल ही रहा। क्या हुआ, सब ठीक है? हया किसी लड़के को मिलवाने के लिए ला रही हैं। अच्छा, हया की शादी हो रही है। इट्स गुड। क्या इट्स गुड? पागल हो गई है वो। ये तो उसको शादी के बाद ही पता चलेगा, दूसरों के एक्सपीरियंस से कौन सीखता है। हेलो, सब ठीक तो है? हुआ क्या है? शी इज एन इडियट यार। मुझे उसकी शादी से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इस तरह चिड़के भला कौन शादी करता है? किससे चिड़ रही है? मुझसे चिड़ रही है और किससे चिड़ रही है? मैंने उसको कहा भी था कि जो भी कुछ हुआ उसको भूल जाए, आगे बढ़े, जिंदगी खराब ना करे अपनी। इन जिस भी पहले बंदे ने अप्रोच किया, पीछे पड़ गई उसे की शादी करनी है। पागलपने की भी हद होती है। क्या होता है वो सच में उसे चाहती है? जी हाँ, जाने वालों की शक्लें ऐसी होती हैं ना, और वो तो उसकी टाइप भी नहीं है, मुझे पता है। तुमने अंकल आंटी को बताया? बता बता के थक गया हूँ मैं तो। चलो, वो अभी मिलने ही आ रहा है, मिलने दो। तो मैं कब रोक रहा हूँ, मिले जाके मिले। तो तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? वो बच्ची नहीं रही। क्या मतलब बच्ची नहीं रही यार? लोग तो बूढ़े हो जाते हैं, उनको अकल नहीं आती, और वो तो कल भी बेवकूफ़ थी, आज ही बेवकूफ़ है। उसको तो ये तक नहीं पता कि उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। शादी करने चलिए, जिंदगी खराब होगी तब पता चलेगा। इस साले को ऐसे प्यार तो नहीं हो गया? हया, ये सब क्या कर रही हूँ? मैं कर लूंगी ना। I'm so happy for you। तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा खुश हूँ। तुम सोच भी नहीं सकती मैं कितनी ज्यादा परेशान थी, कितना गिल्टी फील करती थी। खरा स्वेयर है, अगर मुझे पता होता ना कि तुम वापस आने वाली हो, मैं हादी से शादी कभी भी नहीं करती। जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, मुझे लगता था तुम दोनों के बीच में आ गई हो। मगर रमीश, रमीश से मिलके मुझे बहुत खुशी हुई। रमीश बहुत अच्छा है, ऐसा लगता है मेरे दिल से बोझ उतर गया। तुम दोनों के लिए दिल से दुआ निकलती है कि तुम दोनों बहुत ज्यादा खुश रहो। तुम दोनों कपल बेस्ट है। हया, हादी आ गए। रमीश भी आ गया। वाओ, आई एम इंप्रेस्ड। इतना पंक्चुअल। अब तुम ये सब छोड़ो, चलो तैयार हो जाओ। फरीजा, तुम्हें तैयार करूंगी ना मैं, अच्छा सा। चलो मेरे साथ, चलो आ जाओ। कैसी जा रही है जॉब? सेटल हो गए? जी अंकल, अभी थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है क्योंकि नया शहर है, नई जॉब है, लेकिन इंशाल्लाह हो जाएगा, कोशिश करूंगा। मुश्किलों से घबराते नहीं हो, ये बड़ी अच्छी बात है। मुश्किलों से घबराऊंगा तो आगे कैसे बढ़ूंगा? बेटा, यहीं रहने का इरादा है या वापस चले जाओगे? नहीं आंटी, यहीं पे इंशाल्लाह। तुम्हारी फैमिली पिंडी में है ना? जी, अम्मी मेरी अमेरिका में होती हैं और अब्बू लाहौर में। हया ने बताया तो होगा आपको मेरी फैमिली के बारे में। मेरा अपना कोई खानदान नहीं, इसलिए मुझे अंदाजा है कि आप लोगों की क्या अहमियत होगी हया के लिए। अस्सलाम वालेकुम। आप HSR? जी। हया ने बहुत तारीफ की आपकी, और मैंने एक दफा देखा भी था आपको।
अच्छा हमारी हया हादी को बहुत मानती है। जी आंटी, मुझे अंदाजा है वो इनकी इजाजत के बगैर कुछ नहीं करती। मेरा अपना तो कोई बड़ा भाई है नहीं है जस, तो मैं आपको तो बिल्कुल भाइयों की तरह लूंगा। आई होप यू डोंट माइंड अगर मैं आपको भाई बोलूं। ऑफ कोर्स। खाया ये ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं फ्रीजर है, ठीक है। ये पहनो ना। बस नहीं। मुझे लग रहा है हम दोनों फिर से छोटे हो गए। तुम्हें हमारी ईद मिलन पार्टी याद है? मैं तुम्हें तैयार किया करती थी, तुम कितना टाइम लगाती थी। हमारे कितने अच्छे दिन थे ना वो, फिर सब कुछ बदल गया। मगर अब देखना, तुम्हारी शादी हो रही है ना, सब कुछ वैसे ही हो जाएगा, सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हम चारों साथ घूमने जाया करेंगे। तुम्हें पता है शादी के बाद मैं कहीं घूमने भी नहीं गई, मगर अब तुम्हारी शादी होगी ना, हम चारों खूब मजे क्या करेंगे, चारों साथ जाया करेंगे। हया तुम मुझसे नाराज तो नहीं हो ना? तुमने मुझे माफ तो कर दिया है ना? तुम मेरे नेचर को जानती हो ना, जब मुझे गुस्सा आता है ना, मुझे कुछ नजर नहीं आता अपने सामने। गुस्सा तो दूसरों को भी आ सकता है ना फरीसा, और उस दिन तुमने मुझसे जो बातें की थी। आई नो, मगर तुम नहीं जानती मुझ पे क्या गुजरी थी। मेरी नेचर ऐसी नहीं है कि दूसरों को बातें सुनाऊं। तो सीधी सादी सी लड़की हूं, मुझ पे कितना ज्यादा जुल्म किया गया। लेकिन ज्यादतियों की भी तो हद होती है ना। एक तो उनकी अम्मी के पीछे पड़ने पर मैंने साइम जैसे लड़के को छोड़कर हादी से शादी की। शादी वाले दिन तुम आ गई। हादी की भले ही दूसरी शादी हो, मेरी तो पहली शादी थी ना। खैर अब छोड़ो, मैं बस चाहती हूँ तुम बहुत खुश रहो। तुम्हारी शादी होने वाली है ना, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तुम बस जल्दी करो, तैयार हो जाओ, बहुत देर हो गई। हया ये पहनो चूड़ियाँ, बहुत प्यारी लग रही हो। आप लोग यकीन नहीं मानेंगे, लेकिन हया के अलावा मेरी लाइफ में इस वक्त कुछ और नहीं है। ना मेरी किसी से ज्यादा दोस्ती है, और रिश्तेदारों से मिलना जुलना भी बहुत कम। ऑफिस की तरफ से कार और घर मिल गया, आगे जैसे हया चाहेगी वैसे ही होगा। आपको कोई और शौक नहीं है? क्रिकेट या मूवीज देखना या कुछ और? नहीं सर, मैंने असल में इस तरह की सारी चीजें ओपन एंडेड छोड़ी हुई हैं, ताकि मेरी और मेरी वाइफ के बीच में कोई इख्तलाफ ना हो। लेकिन हमारी हया तो बहुत शौकीन है। बहुत सी बात है आंटी, होना भी चाहिए। बस हया को जो पसंद होगा मुझे भी वही पसंद होगा। आप लोग सब खामोश क्यों हो गए? रमीज कुछ कह रहा था। क्या कह रहे थे रमीज जी? कुछ अपने बारे में बता रहे थे। हाँ जी, मैं कह रहा था कि क्या कह रहा था मैं? ये लो, हमारी हया को देख के ये भूल ही गए क्या कह रहा था। तुम आइंदा से ना इनके सामने घूंघट निकाल कर आना, वरना इनकी तो बोलती बंद हो जाती है। इसे शादी कब करनी है? फरीसा, अभी हमने इनके पेरेंट्स से मिलना है, फिर सोचेंगे। जी आंटी, आप उनसे मिलना चाहें तो जरूर मिलिएगा, आपका हक है। लेकिन आप उनसे अगर मिल भी लेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा खुद उनसे मिलना जुलना काफी कम है। वो लोग अपनी लाइफ में खुश है, मैं अपनी लाइफ में। वैसे भी बचपन से मुझे दादी ने पाला, और उनके इंतकाल के बाद मैं अकेला ही रह गया था। अब तो आप लोग ही मेरी फैमिली हैं। आप दोनों मेरे अम्मी अब्बू और HS मेरे बड़े भाई। मुझे तो यकीन माने अभी भी लग रहा है कि मैं अपने ही लोगों में बैठा हूँ। हमें भी बिल्कुल ये नहीं लग रहा कि हम तुमसे पहली बार मिल रहे हैं। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे माँ बाप से एक मरतबा बात करना चाहूंगा। जरूर अंकल, बिल्कुल क्यों नहीं, मैं आपको नंबर दे दूंगा उनका। बात कर तो लिए, सोचने वाली कौन सी बात है,
बस हाँ करे, मिठाई खिलाए, अंगूठी पहनाए। सोचना पड़ता है फरीसा, लड़की का मामला। लड़का देख तो लिया ना, अच्छा लड़का है, तमीजदार है, कमाता अच्छा है, नौकरी करता है, सबसे बड़ी बात हया से कितना प्यार करता है हमारी। हमें हाँ कर देनी चाहिए, और ये मसला भी नहीं है कि हया को मिलने नहीं देगा आप लोगों से। वैसे बात तो बिल्कुल सही, हमेशा सही कहती हूँ, मगर आप लोग ही ध्यान नहीं देते। छोटे मामू बड़े मामू, आप लोग तो ऐसे सोच रहे हैं जैसे पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी तैयार हो रही हो। बस करें, हाँ करें। मेरे ख्याल में हमें रिश्ता मंजूर कर लेना चाहिए। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ज्यादा सोचना ही गलत है। एक मिनट फरीसा, ज्यादा हाई पर होने की जरूरत नहीं है। सॉरी मामू। लड़का मुझे भी पसंद है, लेकिन हाँ करने से पहले मैं उसके बारे में छानबीन करना चाहूंगा। तुम खुश हो यार? कुछ पूछ रहा हूं तुमसे। बहुत खुश हूं। इतना झूठ बोलना कहां से सीखा है तुमने? रमीज से? आपको अपने अलावा दुनिया का हर शख्स झूठा लगता है। तुम तो जैसे सबसे सच्ची हो, है ना? क्यों कर रही हो ऐसे? तुम जानती भी होगी तुम उससे मोहब्बत नहीं करती, फिर भी। अगर शादी के लिए मोहब्बत करना जरूरी होती तो आप फरीसा से शादी ना करते। आपने शादी के लिए फरीसा से शादी की और मैं आपके लिए रमीज से शादी करूंगी। तुम चाहती क्या? कुछ नहीं। तुम अच्छी तरह जानती हो कि मुझे इस तरह की ड्रामेबाजियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। तुम साफ साफ बताओ कि चाहती क्या हो तुम? अगर सब कुछ तुम इसलिए कर रही हो कि मेरे और फरीसा के हालात ठीक हो जाएं तो ऐसा नहीं है, ये कभी नहीं होगा। आप सही कह रहे हैं, अब कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता। जब तक आप ना चाहें क्यों फरीसा को तकलीफ दे रहे हैं? अब तो दुनिया इधर की उधर हो जाए, शादी तुमने उसी से करनी है। दिमाग में फैसला जो कर लिया तुमने अब। क्यों, आप क्या चाहते हैं? ना करो है आप? मैं चाहता हूं तुम शादी करो, जरूर करो, लेकिन किसी ढंग के बंदे से, किसी अरे गरे नथु खरे से नहीं। मैं चाहता हूं तुम शादी करके अपने घर में आबाद रहो, खुश रहो। लेकिन अगर ये तुम इसलिए कर रही हो कि मुझे गलत साबित करो या फरीसा के और मेरे हालात ठीक हो जाएंगे, तो मैं तुम्हें नहीं करने दूंगा। वो ऐरा गहरा नहीं है, मैं उससे मोहब्बत करती हूँ और मैं उसी से शादी करूंगी। मोहब्बत? जानती भी हो मोहब्बत होती क्या? बचपन से जानती हूँ।